शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो सरकारी राशन दुकानदार आमतौर पर राशन कार्ड धारकों को हर माह उनका राशन मुहैया कराते हैं, पर दिग्रस शहर के एक युवा राशन दुकानदार ने लॉकडाउन के मद्देनजर अपने 600 राशन कार्ड धारकों को व्यक्तिगत तौर पे मदद कर सामाजिक दायित्व को निभाया है। आइए देखते हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब तबके की सहायता के उद्देश्य से दिग्रस शहर के एक युवा राशन दुकानदार ने अपनी दरिया दिली का परिचय देते हुए लगभग 600 राशन कार्ड धारकों को जीवनावश्यक चीजों का दान किया है। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस युवक का नाम फिरोज खान है। फिरोज शहर के संभाजीनगर प्रभाग क्रमांक 9 में राशन दुकान चलाते हैं। ऐसे में राशन के लिए आने वाले गरीब लोगों, मजदूरों और निराधार बुजुर्गों की समस्याओं को वे नजदीक से जानते हैं। कोरोना संक्रमण के तहत देश भर में जारी लॉकडाउन को देखते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई हाथ आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में फिरोज खान ने भी मंगलवार को लगभग 600 जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को जीवनावश्यक सामग्री की किट प्रदान की है। इस किट में शक्कर, पत्ती, नमक, डिटर्जेंट, टिकिया आदि वस्तुएं शामिल है। इस संदर्भ में समाज सेवा से जुड़े कार्यों में सदा सक्रिय रहने वाले फिरोज खान ने बताया कि कोरोना संकट वैसे तो सबके लिए परेशानी का सबब बन गया है, लेकिन इसको सकारात्मक तौर पे देखे तो पवित्र रमजान महीने में जकात की राशि को जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करने का ये अच्छा मौका है। ये कोरोना संकट जो महामारी अभी आई हुई है और इसमें हम सभी लोग परेशान है, और मैं सोशल वर्कर की तरह मेरे तरफ से कुछ किट है जिसे मेरे 600 कार्ड धारक है उनको दूंगा। उसमें 250 ग्राम शक्कर, 50 ग्राम पत्ती, एक नहाने की साबुन, एक कपड़े धोने की साबुन और निरमा और नमक का एक पूड़ा, ऐसे 6 सामानों की किट हमने तैयार की है जो 600 कार्ड धारक है मेरे उनको मैं दूंगा। हम वैसे ही रमजान महीने में ज़कात काटते रहते हैं, तो एक अच्छा माध्यम मिला मेरे को ये कोरोना का, इसलिए मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ मेरे कार्डधारकों को। आम दिनों में सरकारी राशन दुकानों से लोगों को उनके हक अधिकार का राशन देने वाले फिरोज ने इस बार जो व्यक्तिगत तौर पे जरूरतमंदों की मदद की है, जो पहल की है, वो काबिले तारीफ है, जिसका समाज के हर स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। इनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।